हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेल्टेड वाइट चॉकलेट से टॉपर, जो हम केक के डेकोरेशन के लिए चॉकलेट डेकोरेशन बनाते हैं। 3D हार्ट स्मॉल वाला जो होता है वो हार्ट शेप का 3D हार्ट बनाने वाले हैं विथ यूजिंग वाइट चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट इवेनली चॉप कर लिया है और उसको माइक्रोवेव कर लिया है 30 सेकेंड एंड देन 20 सेकेंड। इट इज़ टोटली मेल्टेड नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दिस एंड ऐड वन ड्रॉप ऑफ पर्पल कलर बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ पर्पल कलर हार्ट। सो मिक्स इट प्रॉपरली एंड देन अप्लाई ऑन द मोल्ड। तो ये मैंने हार्ट शेप 3D मोल्ड लिया है, इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो जस्ट मैंने रेंडमली इसमें डाल दिया है इस टाइप से, और मैंने पूरा मिक्स नहीं किया है चॉकलेट को, थोड़ा कम मिक्स किया है ताकि ये कहीं कहीं वाइट शेड आए और कहीं कहीं पर्पल। और जैसे आपको अगर हाफ़ या इन बिटवीन वाइट चाहिए और बाकी पिंक या अदर रेड कलर, तो आप वाइट चॉकलेट में थोड़े से पार्ट में पिंक या फिर रेड कलर ऐड कर दीजिए वन ड्रॉप, और उसे एक पार्ट में डाल दीजिए और दूसरा विदाउट कलर वाला वाइट चॉकलेट सिंपल वो डाल दीजिए और फिर उसे स्प्रेड कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका ये थोड़ा शेडेड आ जाएगा, शेडेड में आ जाएगा। सो, अभी यहाँ पे मैं ग्रीन एंड टू पर्पल बना रही हूँ। तो जस्ट मैंने स्प्रेड किया है, मेक श्योर दैट एवरी पार्ट विल बी कवर्ड विद द वाइट चॉकलेट। This will be also done with the dark compound chocolate. So here I am using white compound for this heart. White compound chocolate से हम बना compound से हम बना रहे हैं ये। तो ये अब जाएगा फ्रिज में सेट होने के लिए। तो आप जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा क्लीन कर दीजिए ताकि वो फिर बाद में हार्ड हो जाते हैं और उनको क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये मोल्ड जो है हमारा ये सिलिकॉन का होता है, तो इसमें नाइफ़ या कोई भी हार्ड चीज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं तो वो कटने का डर रहता है, सेंसिटिव होता है ये मोल्ड। सो आप उस टाइम पे ही ये क्लीन कर लीजिए जब आपका चॉकलेट जो है इस फॉर्म में है बिफोर फ्रीजिंग। ओके, तो अब मैं फ्रीज़ तो नहीं करूँगी इसे, फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी चाहिए तो। और मैंने देखा है कि फ्रीज़ करने में थोड़ा उसमें वाटर बबल्स आ जाते हैं, थोड़ा वाटर के ड्रॉप्स आ जाते हैं, इसलिए मैं इसे फ्रिज में सिंपल स्टोर करूँगी 10 मिनट के लिए। और अगर आपके पास कम टाइम है, जल्दी आपको बनाना है, तो फिर आप बस 2 मिनट के लिए फ्रीज़ कर लीजिए, और अगर ज़्यादा टाइम है तो 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, नॉर्मल फ्रिज में। सो अब इसको फ्रिज में रख दूँगी मैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं। ये देख ली, टोटल सेट हो गया है ये। अब इसे हमें अभी रिमूव नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें अब जो मैंने स्मॉल कपकेक्स बनाए थे, कपकेक्स के जो अंदर वो होता है उसे मैंने पूरा मैश कर लिया था, और इस टाइप से हम एक टाइप से आप कह सकते हैं कि जो आपका बेस होता है बेस का, इस टाइप से आप बारीक करके इसमें अप्लाई करना है। लगा दिया, अब इसके ऊपर हमें वाइट चॉकलेट से कवर करना है ताकि हमारा हार्ट पीछे से पैक हो जाए पूरा। और तो मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा चॉकलेट स्प्रेड कर दूंगी और इसे टोटली कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। तो वनीला स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं आप इसमें अंदर फिल करने के लिए, क्योंकि ये जो होता है वाइट चॉकलेट बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। तो हम टोटल अगर चॉकलेट का बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, इसलिए हम अंदर इसमें फिलिंग करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चॉकलेट का बार कोई नहीं खा सकता अकेले। सो इस टाइप से अगर आप बनाएंगे तो हेल्दी भी हो जाएगा थोड़ा, और आपका चॉकलेट भी कम यूज़ होगा और लुक वाइज भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप सिंपल इसे जस्ट चॉकलेट ये करके स्प्रेड करके फ्रीज़र में रखने के बाद अगर रिमूव करके निकालेंगे तो वो टूट जाता है, इसलिए इसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है।
दो तीन लेयर अगर आप करेंगे तो फिर ये टूटने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है और उतना टाइम नहीं है तो आप दो तीन लेयर करके सिंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं और उसे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी वाइट चॉकलेट मुझे ज़्यादा मीठी लगती है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ डार्क चॉकलेट यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ मैं डार्क चॉकलेट यूज़ करें। वैसे भी हमारी जो